नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने वीडियो में कुछ अलग अलग मुद्दों के साथ में आपके सामने पेश हो रहे हैं, जिसमें हम जो खबरें आई हुई हैं उसके थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं या लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि आप लोग सब्सक्राइब बड़ी संख्या में कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ एक हफ्ते से जो है, जब से मैं अनाउंसमेंट शुरू किया हूँ तब से लोग बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक बार सब्सक्राइब कर दिए तो हमारा वीडियो सब जो है रोज़ हम एनालिसिस करते हैं राजनीतिक मुद्दों के या सामाजिक मुद्दों को, आप तक पहुँचती रहती है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज की खबर में कुछ ऐसी है कि सर, कांग्रेस की तरफ से नागपुर में कल जो है बड़ा रैली किया गया, और एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा के चुनावी घोषणा एक तरह से हो गई है। यानी कि सबसे बड़ी बात इसमें सामने ये आ रही है कि कांग्रेस ने नागपुर को ही क्यों चुना। नागपुर जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का गढ़ है, नागपुर आरएसएस का गढ़ है, तो ऐसे में वो क्या संदेश लेके गए वहाँ पर। और जाते ही उनका पहला ही अनाउंसमेंट कि हम अगर चुन के आते हैं यानी इंडिया टीम आती है तो पहले जाति ही जनगणना करेंगे। जाति जनगणना से क्या वो लोगों को फायदा दे सकते हैं सर? इसके पहली तो बात है, कल आपने अगर वो उसका लाइव टेलीकास्ट देखा होगा जी, तो कुछ लोगों ने दिखाया जानबूझकर, जो गोदी मीडिया है उन्होंने जानबूझकर दिखाया, बाकी इनके समर्थक जो मीडिया है उन्होंने नहीं दिखाया। सर वो फडणवीस ने उसका वर्णन अच्छा किया है। आप क्या बोले, एक बड़ी रैली की। हाँ। वो बड़ी बड़ी कुछ नहीं थी, वो सूक्ष्म रैली थी। सूक्ष्म शब्द जो है वो फडणवीस का है, बोले इतने कम लोग थे कि शायद स्टेज पे ज्यादा थे। और स्टेज पे कैमरा इतना नहीं था, मगर कुछ नहीं थे, फालतू पब्लिक थी, मतलब एकदम कुछ उसमें दम नहीं, ऐसी थी। स्टेज पे जो लोग बैठे थे इतने बड़े बड़े, उनकी एक आबरू रखने के लिए थोड़ा तो जमा हो रहा होना चाहिए। ये लाखों की बात कर रहे थे, हजारों में भी नहीं आए। जी, तो वो फ्लॉप रैली थी, पहली बात आई है। फिर अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संघ का वो अड्डा करके लिया, ये दूसरी बात है। सर ऐसा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अभी सिर्फ विदर्भ में बची है। अच्छा, आप पॉजिटिव ले रहे हैं, मैं निगेटिव ही ले रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में खत्म हो गई है, पर नागपुर और वो एरिया में है, क्योंकि नाना पटोले नागपुर का है, उनका ये जो विरोधी पक्ष वडेट्टीवार वो भी नागपुर का है। अभी सब नागपुर डोमिनेटेड ही कांग्रेस है, क्योंकि विदर्भ में उनका पहले से है, बहुत पहले जमाने से विदर्भ में कांग्रेस टिकी हुई है, मरी नहीं है। हाँ। अधमरी है मगर मरी नहीं है। तो जान डालने की कोशिश कर रहे हैं अब। हाँ, नहीं इतने लोग लाना है तो बाकी जगह किधर उनको आसरा नहीं था, तो नागपुर में लेना उनकी मजबूरी थी। अभी उनके इसके पूरे इसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या बड़ा कौन सा आश्वासन दिया, जाति जनगणना। हाँ, जातीय जनगणना। सर इसमें भी ऐसा हो गया है कि अभी जातीय जनगणना के ऊपर मेरी जानकारी जो है, ये मुद्दे पर अगर ये जोर देते हैं कि जातीय जनगणना करेंगे तो वो करने के बाद इलेक्शन के बाद के हैं, अभी तो है नहीं है। तो संघ के एक नेता ने बोला था, राष्ट्रीय सेवक संघ के, कि जातीय गणना अच्छी नहीं है, उससे जाति जाति में मतभेद बढ़ेगा जी। फिर बाद में उसका रिएक्शन आया गया और ये लोग जो है कांग्रेस वाले वो जश्न मनाने लगे कि भाई ये मुद्दे पर हम इनको मात दे सकते हैं। तो संघ वाले हैं वो, भाजपा वाले हैं, उनको बदलने को या बटोर चितूर या बटोर करल वेड़ लग रहे। दूसरे दिन संघ के उतने ही ताकतवर नेता ने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है जी, हम भी जनगणना के पक्ष में हैं, हम भी करेंगे, और उन्होंने वो बदली कर दिया। अभी जनगणना का जो विषय है वो इनका मोनोपोली नहीं रहेगा, क्योंकि दो चार दिन में, आठ दिन में बीजेपी भी बोलेगी भाई इलेक्शन में चुनके आएंगे तो हम भी करेंगे। तो इनका मेन मुद्दा जो है वो निकल ही गया ना, जाति जनगणना, और कुछ तो बोला नहीं है, खाली वो अन्याय भी नहीं की बात, ये विचारधारा की लड़ाई है। वो तो हमेशा विचारधारा की लड़ाई बोलते हैं, वो तो कोई भी बोलेगा, कोई भी दोनों विचारधारा एक तो है नहीं। हाँ, मगर इनका जो रैली हुआ ना कि ये देखो इधर लिखा ही है कि सूक्ष्म रैली थी। दूसरी एक बात इसमें है कि न्याय योजना महिलाओं के लागू होगी, ऐसा उन्होंने बोला है। भाई मुस्लिम महिलाओं को जो न्याय मिला था सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो केस में, वो विड्रॉ करने वाले थे, इनके पिताजी थे, राजीव गांधी ने शाहबानो केस में मस्ती की ना, और सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बारे में और इसके बारे में जो न्याय दिया था उसको उल्टा पलटा करने वाला कौन था, राजीव गांधी था। तो क्या ये महिलाओं को न्याय, तुम्हारी हिस्ट्री नहीं है न्याय देने की,
क्या न्याय देंगे, फिर भी ठीक है, वो महिलाओं को न्याय भी 50% है, वो सब है, वो चला रहे हैं। तभी इंडिया गठबंधन के कितने लोग इसमें आए, उन्होंने क्या किया, पहले बोले थे, पहले उन्होंने बोला था ये इंडिया की रैली रहेगी, इंडिया की, बाद में उनको ध्यान में आया कोई आता नहीं है, कोई ज्यादा आने वाले नहीं है, तो उन्होंने उसको बदली करके कांग्रेस की रैली कर दी। अभी कांग्रेस की रैली हो गई मगर उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। राहुल गांधी अभी है ना, राहुल गांधी का राहुल अपना ये हो गया है, उद्धव ठाकरे हो गया है, नया मुद्दा ही नहीं आता है, वही चार मुद्दे पे बोलता रहता है, दूसरा पांचवा मुद्दा नहीं है उसके पास, और वही किया उधर, वही बोला, कुछ नया बोला नहीं, तो मेरे ख्याल से रैली फ्लॉप रही। अब दूसरी आती है सर, एक पहली बार ऐसा आया है कि ईडी की चार्जशीट में जो है पहली बार प्रियंका गांधी का नाम आया है, तो देखा गया तो ये बहुत बड़ी बात है कि ईडी में मामले में आने की, देखा गया तो भ्रष्टाचार के मामले में जो है प्रियंका गांधी भी जुड़ गई है एकदम। सर सब पहले देखो बात में ना हमेशा डिटेल में पढ़ा करो जी। ये जो ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम, सर किसी का नाम होना और किसी को आरोपी बनाना, इसमें फर्क है, बहुत फर्क है। इसमें वो आरोपी नहीं है, लोगों ने उसका नाम देते समय ऐसा लोगों को भ्रमित किया है कि प्रियंका का नाम चार्जशीट में पहली बार, अरे तूने ही लिखा है, ये नवभारत टाइम्स ने आगे लिया है, हालांकि ईडी ने अपने आरोप पत्र में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया है, लेकिन यह पहली बार जब चार्जशीट में उनका नाम एक साथ आया है, ये भी बड़ी बात है। अभी ये जो मामला है ना सब, ये 2005 का है ना, तो वो कभी कभी रहने दो, कहने गाड़े हुए मुखड़े ये मुर्दे उखाड़ने में भाजपा माहिर है। सर ये है ना कि स्टेट एजेंट है, उसने ये चीज बेची, फिर दूसरे ने बेची, तीसरे ने बेची, चौथे ने बेची, पांचवे ने बेची, छह ने बेची, ये सब मामले में कहीं पैसे का आदान प्रदान हुआ, उसमें ब्लैक व्हाइट का कुछ हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस बना, तो उसमें जो आरोपी है वो दूसरे लोग हैं और सबके नाम भी आए उनके बारे में ये भी चल रहा है। अभी इसमें रॉजर्ट वाड्रा ने भी कुछ टुकड़े खरीदे थे दो तीन, और उसने भी बेच दिए थे, तो वो पूरा जब उनको क्या है ना चिट्ठा लिखना है ना कि भाई ये व्यवहार ऐसा 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 हुआ, इसमें ये मुद्दे पर वड्रा था, प्रियंका थी, उन्होंने भी एक टुकड़ा खरीदा, वो भी इसको ही बेच दिया, मतलब लॉन्ड्रिंग हुआ ऐसा नहीं, मगर उन्होंने मेंशन किया कि भाई कितने लोग थे, भाई कहीं पे मारामारी हो रही थी, वहाँ पे कौन थे, देखने में वालों में गिरी थे, अनिल दत्ते थे, बाजू में खड़े थे, ठीक है बाजू में खड़े थे, मगर वो मॉप में थे, तो अनिल थत्ते और गिरी का नाम डाल दिया उसमें कि वो दोनों भी वहां थे जी। इसके परे कुछ नहीं ना, हमारे ऊपर आरोप थोड़ा रखा उन्होंने कि ये दंगल में शामिल थे, वो वहां थे सर, प्रेजेंस इज नॉट एक्यूजेशन, तो ये ना मामला फुसका है, इसमें कुछ नहीं है जी, उनका नाम आने से कुछ होने वाला है, उनको थोड़ा ये बुलाएंगे, दूसरे वाड्रा के केसेस आए दूसरे जी, उसमें उसको बुलाएंगे, हो सके तो अरेस्ट भी करेंगे, वो बात भी अलग है, पर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है ना, टांगती तलवार रखने का, अरेस्ट नहीं करने का, उद्योग के ऊपर तलवार रखी है पर अरेस्ट नहीं करते उसको, उसके इर्द गिर्द के लोगों को करेंगे, ये सही करेंगे, गांधी घराने को हाथ लगाएंगे नहीं। सर जिस दिन गांधी घराने का कोई भी आदमी अंदर जाएगा उस दिन इतनी सिंपथी देश में पैदा होगी कि चुनाव हारेंगे। अच्छा सर, इंदिरा गांधी को पकड़ा तो क्या हालत हो गई थी इनकी, कि इंदिरा गांधी बोल रही थी मैं जामीन नहीं लूंगी, ये पांव पड़ के उसको बोले कि जामीन ले लो ऐसा होता है ना, होता है हाँ। तो ये प्रियंका को राहुल को अगर अरेस्ट किया तो देश भर में सहानुभूति की ऐसी लाट आ जाएगी सर, पूरी बीजेपी लोकसभा में बह जाएगी, उनकी हिम्मत नहीं है इनको अरेस्ट करने की, हाँ ये बदनाम करते रहेंगे, ये सर पूरा बीजेपी का गेम जो है ना मेनली वो बदनामी का गेम है, वरुण सरदेसाई को पकड़ा तो आदित्य बदनाम होता है, ऐसा ही चलेगा खेल, संजय राउत को पकड़ा तो शिवसेना बदनाम होती है, वो बदनामी का खेल है, इसमें किसी के ऊपर कार्रवाई करने में इनको इंटरेस्ट भी नहीं है, और ईडी का रिकॉर्ड ऐसा है कि कुछ दो पॉइंट मतलब समझो 3% बोलते हैं उसका पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है, इतने केसेस में निकाल मिला है या शिक्षा हुई है, बाकी तो सब छूट 97% छूट ही जाते हैं, उनको चिंता ही नहीं है छूटने की, एक बार जमानत हो गई तो कहानी खत्म, नहीं जमानत हो गई बाद में केस भी उनके निकल जाते हैं, उनको बदनाम करना है जी। सर डिफेमेशन का केस का होता है वो उल्टा होता है, लोग बोलते हैं कि मैं डिफेमेशन केस में निर्दोष हूँ,
और किसी की बदनामी करके डिफेमेशन केस डाल दा तो वो मामला वहीं पर रुकता, 15-20 साल के बाद आता है। तो इसमें ऐसा है कि ये खाली बदनामी का मामला है, मगर वो बदनाम तो इन्होंने भी किया है उनको। जी जी भाई, मोदी साहब के पीछे पड़े थे, मोदी साहब को तो तड़ी पार, अमित शाह को तड़ी पार किया था, 3 साल जेल में रखा था, तो वो भी सूट लेंगे ना, रिवेंज लेंगे। उल्टा ऐसा है कि उनका बड़प्पन ये है कि इनको पकड़ नहीं रहे, खाली धमकी दे रहे हैं। धमकी देना और पकड़ना इसमें फ़र्क है। इनको पकड़ेंगे तो उनको मालूम है, इनको सिंपथी मिलेगी, उनको मिल गई थी, उनको वो अपने इससे भी शाने हो गए। तो ये प्रियंका का चार्जशीट में नाम ये खाली ये है सर, ये बात भी है ना, ये मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। कतर में 8 भारतीयों को अब सजाए मौत नहीं सर, ये लोग पकड़े गए थे हेरगिरी करते हुए, स्पाइंग करते हुए, नेवी के ऑफिसर हो गए, बड़े ऑफिसर है उनके, एक को तो राष्ट्रपति पदक मिला था, तो वो उनको पकड़ा था, तो वो क्या होगा, उन्होंने कोई बात नहीं क्या होगा, ऐसे करते ही ये लोग, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले ही थे तो उनका काम ही होता है ये तो। और वो उन्होंने इसराइल के साथ ये किया था, वो जो बेईमानी की थी कतार से, वो इसराइल को उन्होंने अपने सीक्रेट्स इसके कतार के जो मिले उनको, क्योंकि वो नेवी में ही काम कर रहे थे, तो उनको दे दिए थे करके उनको पकड़ा था। अभी ऐसा है कि जिस दिन उनको पकड़ा ना, उस दिन एक अंग्रेजी अखबार आता है, इकोनॉमिक अखबार है, मिंट करके, उन्होंने दिया था कि कपार के फुले फुले में दम नहीं है, फुले फुले मेरी होती है वो नहीं होती कि वो भारत को नाराज करे। कतार में 20 लाख लोग भारतीय है जी, जो काम करते हैं। अगर ये 8 लोगों के मामले में कतार में भारत सरकार ने बोला कि चलो वापस आ जाओ, तो कतार की अर्थव्यवस्था एक दिन में खलास हो जाएगी, लेबर नहीं मिलेंगे वहां पर, नहीं मिलेंगे ना, भारत के ऊपर वो डिपेंड है। और मोदी का और ये जो, तो ये अभी दिखाया है, देखो ये उनका दोस्त ही है कतार का जो राजा है उसका और उसका, तो ये मामूली बात सर, 8 मरे हैं जिए, उनको क्या फर्क पड़ता है, लोगों को उनके दिखाना था, वो पकड़े गए हैं तो दिखाना था कि भाई हमने सजा में मौत दे दी। बाद में इंटरनेशनल दबाव आता है तो वो बोलते हैं कि ठीक है सर, अभी तो इसमें क्या होने वाला मालूम है, वो दिया भी इन्होंने कि ये सजा जो है वो फांसी के बदले कुछ 7.5 साल 3.5 साल ऐसी कम हो जाएगी, और ये भी उनके जेल के बदले भारतीय जेल में भी भुगतने की सहूलत मिलेगी। ऐसा होता है सर, अंतर्राष्ट्रीय कानून है ऐसा कि भाई आपको पकड़ा, आपको इस देश में भुगतना नहीं है, तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट या सरकार बोलती है कि जो आपके देश में जाके, वो यहाँ आएंगे तो हीरो ही बनेंगे, इसराइल के साथ ही ये किया उन्होंने, तो उनको 1-4 महीने रखेंगे अंदर, खाना पीना देके फिर छोड़ देंगे। तो ये मामला जो है, मगर ये भारत की प्रभुता जी जी और दबाव इंटरनेशनल जो है उसका ये है, और मोदी की ताकत है ये। मनमोहन सिंह होते तो कुछ नहीं करते, वो रोते थे ज्यादा, मगर इन्होंने करके दिखाया, ये भारत की ताकत है, इसके लिए मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ। और कौन सा मुद्दा इसमें, और भी खबरें हैं सर, एक खबर मुसलमान समाज के लिए बहुत अच्छी खबर है, वो शायद उन्होंने पढ़ी नहीं होगी तो मैं उनको बता देता हूँ। और मद्रास हाईकोर्ट ने दिया है कि इस्लामिक कानून की तरह तहत वो कितने भी विवाह कर सकता है मुसलमान, और खाली सबको बराबरी का ये देना है। अभी कौन सी बीवी ऊपर, देखो पहली छोड़ के दूसरी करते हो तो पहली को डाउन करते हो तभी तो करते हो, और तुमको तो 4 बीवी करना है, तो ये कोर्ट बोलता है सबको संभालो समान दर्जे से, वो तो बोलने की बात है, वो बीवी जब तक जाके शिकायत नहीं करेगी तब तक ये चालू रहेगा, पर उनको चालू है सर। ये जो समान नागरिक कायदे की हम बात कर रहे हैं देश में, कि भाई हिंदू को जो कानून है वही इनको करो, तो मुझे एक ने बहुत अच्छा बताया, वो ऐसा बताऊंगा मैं, लोग गाली देंगे मुझे, और गाली खाने में भी मज़ा आता है, और गाली खाने से सर कभी कभी फायदा होता है। अभी एक ना वो जनांगे का कोई समर्थक है, उसने मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाया, रमेश पाटिल है क्या, हाँ उसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया, वो मैंने भी देखा नहीं, मैं देखता नहीं था फालतू चीज़ें, मगर उसकी वजह से मुझे कभी इतने फ़ोन नहीं आते, इतने फ़ोन सर तुम्हारे खिलाफ उसने ये लिखा है, कुछ हमारे दोस्तों ने तो वीडियो भी बनाए, प्रभाकर सूर्यवंशी है उसने मेरी साइड लेके इतना ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, बाप रे बाप, उसने तो उसकी पूरी मतलब हजामत कर ली, ऊपर की नहीं नीचे की भी हजामत कर दी इतना उसको ठोका है। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए मुझे कि सर हमको सहन नहीं हो रहा है,
कितने, अरे अपने गुणरत्न सदावर्ते का फोन आ गया मुझे, क्या बात, हाँ कल आधा घंटा हमने बात की, वो बोला कि सर त्याने जे बोलला आहे मला राग आलेला आहे भयंकर, मॅच तळपायची आग मस्तकाला गेलेला आहे, जाऊन कानफटावा असा वाटतोय वगैरे वगैरे बोल बोला वो, और वो बोला की सर अगर आपको कोई ऐसा लगता है कोई आपको धमकी दे रहा है कोई तकलीफ दे रहा है तो मुझे फोन करो, मेरे हर गाँव में 10-15 लोग ऐसे हैं कि जो आपको आके मदद करेंगे। मैं बोला ऐसी कोई जरूरत नहीं, मैं भी तैयारी में रहता हूँ हमेशा और मार खाने की तैयारी में रहता हूँ। सर आप शिकायत भी तो कर सकते थे इसकी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया है मगर नहीं, क्या सर ऐसे रोज फालतू लोग निकलते हैं, इनको क्या महत्व देना है, नहीं महत्व नहीं देने से मारा। एक बार मेरा एक पत्रकार था, उसने यहाँ के एक लीडर के खिलाफ बहुत कुछ लिखा उल्टा सीधा, तो लीडर मेरा ये था क्लाइंट था, तो मुझे बोला सारा देख इसने क्या क्या दिया है, हमने इसको पैसा भी दिया था एक ज़माने में फिर भी लिखा है, क्या करेंगे इसको। मैं बोला पत्रकार की मौत निग्लेक्शन में रहती है, पत्रकार को अगर निग्लेक्ट कर दिया ना तो उसकी मौत है, तो आप निग्लेक्ट करो, इसका कोई दखल ही नहीं दो, सामने से आता है तो काय कसा है तू वगैरह ऐसा बोला, जैसा कुछ आपने पढ़ा ही नहीं, पढ़ाई नहीं है, हाँ तो उसको अंदर से खुजली होगी। वो ऐसा एक दिन गया, इसने किसी कुछ लोगों बोले अरे आपके खिलाफ है, होगा कुटे हाल है, अच्छा यार नाव तो दैनिक है का, यहाँ तक उसने पूछ मारा, यार नाव तो दैनिक है का, अच्छा अच्छा असेल, मी नहीं पाहत, मी पाहत नहीं, मैं विरुद्ध बाजू नहीं, क्या आलेलं पाहत नहीं वगैरह, तो इसको खुजली हो गई, इसको लगा साला सचिन में इसने पढ़ा नहीं किया, तो उसने पेपर का 10 कॉपी लेके उसके घर में डाल दिया, हाँ कि भाई अभी तो कुछ होगा। उसने मेरे को उसने बोला 10 कॉपी डाला है, मैं बोला वो जो 10 कॉपी वो रद्दी के इसमें बाहर जो पड़ा होगा उसमें रख दो, उसको पता चले कि तो उसका कोई वॉच करेगा। जी जी, बाद में वो पत्रकार मेरे पास आया, बोला मैंने इसके खिलाफ इतना लिखा, उसने कोई उसका दखल नहीं लिया, ले लिया। मैं बोला तेरे को तो उसने ऐसा ही मार दिया, तू लिखेगा उसका कोई अगर दखल नहीं लेगा। सर मुख्यमंत्री लोगों को मैं यही बोलता था हमेशा कि महाराष्ट्र टाइम्स और लोकसत्ता लोकमत ये 2-4 पेपर छोड़े, टाइम्स ऑफ इंडिया ये छोड़ के बाकी क्या लिखते हैं, इसका आप दखल मत लो। चैनल में भी 2 ही चैनल जिनका असर होता है, वो एक TV9 है और ABP माधा, बाकी लोग क्या बोलते हैं आप दखल मत दो। सभी मुख्यमंत्री को मेरा सलाह रहता है, आज भी रहता है कल भी रहता था। तो सर ये है कि मद्रास हाईकोर्ट का जो निकाल है, हाँ तो एक बार मैंने एक दोस्त को पूछा हम कहाँ भटकते हैं सर, एक मैं बोला ये समान नागरिकता सरकार लाएगी, बोला लाना ही चाहिए जी। तो मैं बोला उनका समान नागरिक आधा आ जाएगा, उससे मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा, ये सब बातें मुझे पसंद है, मगर इसके लिए मुस्लिम महिलाओं के बदले हिंदू पुरुष को इतना फुड़ा कर ले रहे हैं। हिंदू जो हैं वो क्यों बोल रहे हैं कि समान नागरिक आधा हो रहा है, होना चाहिए। तो एक मिनट उसने इधर उधर देखा, बोला सच बोलो। मैं बोला सच ही बोलने के लिए बोल रहा हूँ। बोला क्या ना, उनको 4 अलौड़ है, हमको 1 ही अलौड़ है, ये हमारा दुख है। अगर समान नागरिक ऐसा उल्टा हो गया, हमको भी 4 अलौड़ किया तो हम नहीं बोलेंगे समान नागरिक ऐसा, ये भी समान नागरिक ऐसा, ये तो हिंदू पुरुषों की मानसिकता है, वो जलते हैं इनके ऊपर कि इनको 4 अलौड़ है, हमको 1 ही अलौड़ है। क्या बोले अभी सर, दुनिया ऐसी है। चलो मेरे ख्याल से हो गया, बहुत हो गया होगा 10-15 मिनट। चलो धन्यवाद। तो आप हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा किए, आपके पास भी कुछ मुद्दे रहेंगे तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। आपके एरिया में अगर आप समान नागरिक है तो किस लिए चाहते हैं ये भी बोलिए, आप अपने इलाके के वीडियो भी भेज सकते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट वही है कि आप हमारे जो है मेंबर बन जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।